आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट एज पर सेक्शन 148। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या डिटेल्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे दैट इंटरनल ऑडिटर एज पर सेक्शन 138 इज डिफरेंट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर 139 इज डिफरेंट। जो हम इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं उसका मायना और कॉस्ट ऑडिटर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनल ऑडिटर आता है 138 में, जो कि कॉस्ट ऑडिटर से टोटली डिफरेंट अलग चीज है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है 139 में, जो कि हमारा आज का टॉपिक कॉस्ट ऑडिटर से टोटली डिफरेंट है। तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं, इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट ऑडिट के टॉपिक में दो चीजें आती हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट। ध्यान से सुनिए, आज के टॉपिक में आपको दो चीजों से अलग अलग समझना है। एक नाम है कॉस्ट रिकॉर्ड और दूसरा नाम है कॉस्ट ऑडिट। ये दोनों भी आपस में अलग अलग चीजें हैं। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, अब हम बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की। रिकॉर्ड माने लिखना, कॉस्ट के बारे में लिखना, उसके बारे में एक्सक्लूसिवली जब हम एक शीट बनाते हैं हम कॉस्ट रिकॉर्ड उसको बोलते हैं। तो मेंटेन करना कॉस्ट रिकॉर्ड को, इसमें सिर्फ हमने कॉस्ट की ही बात करनी है। देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम बनाते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड? क्या एक कंपनी के लिए, या मैंडेटरी, मैंडेटरी माने नेसेसिटी, मतलब यू हैव टू डू इट, मतलब मैंडेटरी मतलब नेसेसरी, क्या ये जरूरी है हर कंपनी के लिए कि उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कि ये जरूरी नहीं है? तो अभी हम पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो हर कंपनी ने नहीं बनाने कॉस्ट रिकॉर्ड्स, किन्हीं किन्हीं कंपनीज ने बनाने हैं, किन कंपनीज में बनाने हैं? मैंडेटरी फॉर कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, सिर्फ उन कंपनीज ने ही कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, सबने कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं। जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप बनाएंगे, वो ही बनाएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो अपनी लिस्ट है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनीज की, उसको टाइम टू टाइम चेंज भी करती है, फॉर सच क्लास एंड क्लासेस ऑफ कंपनीज। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो किस लिस्ट में कौन सी कंपनी डालेगी। जिस कंपनी को इस लिस्ट में डाल दिया, उसको ये कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी, मैंडेटरी, कंपलसरी हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट को चेंज भी कर सकती है, और उसकी मर्जी है कि वो कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनीज को इस लिस्ट में डालेगी। आई रिपीट, मैंडेटरी फॉर कंपनीज, जरूरी हो जाता है उन कंपनीज को, स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम वो अपनी लिस्ट चेंज भी करती है, फॉर सच क्लास एंड क्लासेस ऑफ कंपनीज, इन कंपनीज को या इससे जुड़ी हुई किन किन कंपनीज को वो लिस्ट में डालेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मर्जी रहती है। ओनली दोज आर बाउंड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर वही कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएंगी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, बाकी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की कोई जरूरी नहीं है, वो नहीं बनाए कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। रूल 3, अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओनली टेल दोज कंपनीज विच आर अंडर रूल 3। किन कंपनीज को बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है? उनको बोलेगी जो रूल 3 में आते हैं। किसमें आते हैं? रूल 3 में। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रूल 3? अब रूल 3 में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं ये भी पता करना पड़ेगा। वो कंपनीज आती हैं रूल 3 में जिनका टर्नओवर, टर्नओवर समझे ना, रेवेन्यू, सेल, पैसा, बेच के सामान पैसा आना। जैसे मान लीजिए हमारी एक छोटी सी दुकान है, ग्रॉसरी स्टोर है, मतलब परचून की दुकान है, उसमें से हम डेली 2,000 रुपए की सेल करते हैं, जो हम सामान बेचते हैं उससे हमको 2,000 रुपए आता है, तो हमारा टर्नओवर एक दिन का 2,000 रुपया है। टर्नओवर और होता है प्रॉफिट और होता है। टर्नओवर मतलब जो आप सामान बेच रहे हो वो बेच के पैसा कितना आया। तो रूल 3 क्या कहता है कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 35 करोड़ के बराबर या उससे ज्यादा, 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा, 36, 37, एनी एनी अनलिमिटेड, उतना टर्नओवर है जिस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनीज रूल 3 में आती हैं। इसका मायने
कि कॉस्ट रिकॉर्ड किसको कम बनाना है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उनको बनाना है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मर्जी है कि वो उस लिस्ट में कौन सी कंपनीज को डालेगी। वो उन कंपनीज को डालती है जो रूल थ्री में आती हैं। रूल थ्री कहता है कि जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ऊपर होता है। Only for those companies, manufacturing companies where cost is very significant, वही companies इसके अंदर आती हैं जो कुछ manufacture करती हैं। एक होता है trading करना। Trading करना माने आपने एक जगह से सामान खरीदा और आपने दूसरी जगह से बेच दिया, उसको आपने ट्रेड किया, वो सामान लिया और सामान बेचा। मैन्युफैक्चर करना, बनाना, आपने वो खुद बनाया, आपने उसका रॉ मटेरियल लिया, उसमें लेबर लिया, उसमें और खर्चे किए और आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर करी, आपने कोई चीज बनाई। एक है मेरी बेडशीट्स की शॉप है, मैं बेडशीट वहां से दिल्ली से खरीदती हूँ और इधर चंडीगढ़ में बेच देती हूँ, दिल्ली से खरीदती हूँ हिमाचल में बेच देती हूँ, तो ये क्या है? ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? मैं अपने ब्रांड से अपनी बेडशीट्स बनाती हूँ, धागा खरीदती हूँ, यान खरीदती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करवाती हूँ, लेबर लगाती हूँ, ये सब करके जब मैं अपने ब्रांड की खुद बेडशीट बनाकर बेचती हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में आती हूँ। तो वो कंपनीज इसके अंडर आती हैं जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, जहां पर कॉस्ट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है कॉस्ट, जिन कंपनीज के लिए वो कंपनीज रूल थ्री में आती हैं। यू हैव टू कीप द डाटा फॉर द कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट खर्चे, जो आपने सामान खरीदा उस चीज को बनाने के लिए उसमें आपने कितनी लेबर लगाई, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, उसके ऊपर के खर्चे और कितने हो गए, एंड यू हैव टू जस्टिफाई देयर कॉस्ट। और आपको अपना रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कॉस्ट को विभिन्न विभिन्न भागों में बांटकर, इतने का मटेरियल आया, इतने का लेबर आया, इतने का ओवरहेड खर्चा हो गया, इन सबको कॉस्ट डिटेल जहां बनानी पड़ती है वो कंपनीज आती हैं रूल थ्री में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अदर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो जो नॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट स्टेटमेंट, उसके अलावा आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाना पड़ता है इन कंपनीज में। सो आई रिपीट कि रूल थ्री क्या कहता है कि जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होता है वो कंपनीज रूल थ्री में आती हैं और उनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अब नई टर्म आ गई कॉस्ट ऑडिट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट रिकॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट। वहां क्या था? रूल थ्री। यहां क्या है? रूल फोर। कंपल्सरी टू ओनली कंपनीज एज स्पेसिफाइड अंडर रूल फोर। तो जो रूल फोर में कंपनीज आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ही कॉस्ट ऑडिट करवाना है। समझे जी? कॉस्ट ऑडिट रूल फोर वाली कंपनीज को करवाना है। और रूल फोर में कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आती हैं टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए में आती हैं रेगुलेटेड सर्विसेज। रेगुलेटेड सर्विसेज में आती हैं टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें से जो टेलीकम्युनिकेशन में डील करती हैं, जो कि रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाली कंपनीज, वो टेबल ए में आती हैं। वो कंपनीज भी आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में डील करती हैं, बिजली बनाती, बिजली का उत्पादन करके आगे ट्रांसमिट करती हैं, वो भी टेबल ए में आती हैं। पेट्रोलियम और गैस वाली कंपनीज भी टेबल ए में आती हैं। ये हो गया टेबल ए, रेगुलेटेड सर्विसेज। टेबल बी में आती हैं नॉन रेगुलेटेड सर्विसेज, ऑल अदर कंपनीज, बाकी सब की सब कंपनियां जो हैं वो टेबल बी में आती हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? देखिए, रूल फोर डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं, टेबल ए में आने वाली वो कंपनीज कॉस्ट ऑडिट करवाएंगी जिनका टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। उनकी सारी प्रोडक्ट्स का, मान लीजिए एक कंपनी बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रही है, तो उन सारी फील्ड्स को मिलाकर, उन सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मिलाकर उनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन, टर्नओवर ऑफ सेगमेंट ड्यू टू विच यू फॉल इन टेबल ए मोर देन और इक्वल टू 25 करोड़। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक शर्मा कंपनी है। शर्मा कंपनी बहुत सारे काम करती है, बेडशीट्स भी बनाकर बेचती है, अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट करती है, टॉवल्स भी बनाती है, टीवी भी बनाती है, बहुत काम करती है, ठीक है। तो
तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही हूँ तो मैं टेबल ए में तो आ गई, शर्मा कंपनी आ गई टेबल ए में। तो शर्मा कंपनी की सारी टर्नओवर, जो जो मैंने ना काम कर रही हूँ, जैसे कि टीवी भी बना रही हूँ, बेडशीट भी बना रही हूँ, टॉवल भी बना रही हूँ और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट, इन सब का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, टर्नओवर ऑफ दैट सेगमेंट जिसकी वजह से मैं टेबल ए में आई हूँ, वो कौन सा सेगमेंट था मेरा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए शर्मा कंपनी का टोटल टर्नओवर तो है जी, मान लो 60 करोड़, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हो गई मीट, 50 करोड़ से ऊपर हो गए, 60 करोड़ हो गया। लेकिन जो मैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं टेबल ए में आई हूँ, उसका टर्नओवर है सिर्फ 10 करोड़, तो मैं कॉस्ट ऑडिट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी दोनों कंडीशंस मीट नहीं होती, ठीक है। तो टर्नओवर सारी की सारी शर्मा कंपनी के सारे फीचर्स का 50 करोड़ और उससे ऊपर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाला सेगमेंट है उस अकेले का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, तब ये है टेबल ए की टर्नओवर। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो मैं कॉस्ट ऑडिट करवाऊंगी। अब आ जाओ टेबल बी में। टेबल बी की अपनी कंडीशंस हैं। टेबल बी में क्या है, सारा का सारा, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर मैं टेबल बी में शर्मा कंपनी आ गई तो उसके टर्नओवर सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, उसके बेडशीट्स का, उसके टॉवल्स का, उसके टीवी का और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का टोटल 100 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। और टर्नओवर ऑफ द सेगमेंट ड्यू टू विच यू फॉल इन टेबल बी, जैसे कि जो टेबल बी में आ गया, जो मैंने आपको पिछले वाला बताया, टेबल बी में ऑल अदर कंपनीज आ गई जिसकी वजह से मैं टेबल बी में आई हूँ, उसका टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो टेबल बी में आने वाली कंपनीज का टोटल टर्नओवर हो जाए 100 करोड़ और उससे ऊपर, और वो पर्टिकुलर सेगमेंट जिसकी वजह से मैं टेबल बी में पहुंची हूँ उसका अकेले का टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ऊपर होना चाहिए। तो याद रखना पड़ेगा 50 करोड़ हेयर, 25 करोड़ हेयर, 100 करोड़ हेयर, 35 करोड़ हेयर। आई थिंक आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे अदर पॉइंट्स। कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, हर कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, जो प्रैक्टिस में हो, इस इंस्टीट्यूट के अंडर वो हो, वो ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अपॉइंट कौन करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसको अपॉइंट करेंगे। नाउ कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन 139 कैन नॉट बी कॉस्ट ऑडिटर। 139 सेक्शन में जो हम कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। आगे बढ़ेंगे। पेनल्टीज एज पर सेक्शन 147 विल बी एप्लीकेबल टू द कॉस्ट ऑडिटर। जो भी कॉस्ट ऑडिटर की पेनल्टीज हैं वो जैसे 147 में लिखी हुई हैं, वो ही पेनल्टीज इसके ऊपर भी लागू रहेंगी। पावर्स एंड ड्यूटीज एज पर सेक्शन 141 एंड 143 आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कॉस्ट ऑडिटर। तो जो पावर और ड्यूटी सेक्शन 141 और 143 में दी हुई है वही कॉस्ट ऑडिटर पर भी लागू रहेगी। एंड कॉस्ट ऑडिटर इज इन एडिशन टू स्टैचुटरी ऑडिटर। अभी हमने बिगनिंग में बताया कि स्टैचुटरी ऑडिटर और होता है, कॉस्ट ऑडिटर और होता है, तो ये कॉस्ट ऑडिटर स्टैचुटरी ऑडिटर के एडिशन में ही काम करेगा। आगे बढ़ेंगे। एग्जम्पशन टू रूल 4, अभी हमने रूल 4 पढ़ा, उसमें एग्जम्पशन मतलब कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है, उनका भी वही टर्नओवर उससे ऊपर है, वो भी सेगमेंट ए से, वो सब कुछ है, लेकिन उनको एग्जम्पशन मिल गया रूल 4 में, वो कॉस्ट ऑडिट ना कराएं। क्या रूल्स रहेंगे? पहला पॉइंट है कि उनका एक्सपोर्ट टर्नओवर, उनके टोटल टर्नओवर का 75% अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 75% या उससे ऊपर जो उनका टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट में अगर चला जाए तो वो उस रूल से एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो उनको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो जितना आप सेल कर रहे हो ना, उसका 75 या उससे ऊपर अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ, और अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल कर रहे हो तब भी आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, फॉरवर्ड द ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज ऑफ फिनिशिंग द ऑडिट। जब कॉस्ट ऑडिटर का काम हो जाए तो 180 दिनों के अंदर अंदर आपको ये ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड करनी है।
और बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड विल फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है। आगे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इन XBRL फॉर्मेट। जो आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो XBRL फॉर्मेट में रहेगी, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। सो वी कम टू द एंड ऑफ द आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।